The finger of the law! ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। तो क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो क्या गाजा में फिर से शांति लौटेगी? क्या हमास और इसराइल के बीच सीज फायर हो जाएगा? क्या शांति वार्ता से कोई हल निकलेगा? हमास और इसराइल के बीच लगातार युद्ध की खबरें तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि शांति वार्ता को लेकर एक बार फिर से पहल हो रही है। इस शांति वार्ता में अमेरिका, मिस्र और कतर भी शामिल है। हालांकि इससे पहले बीते हफ्ते में भी कतर की राजधानी दोहा में शांति वार्ता हुई थी और इसमें यह तय हुआ था कि सीज फायर को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसके अलावा बीते हफ्ते यह ऐलान किया गया था कि काहिरा में जो अगली दफा की बात होगी उसमें सीज फायर को लेकर ऐलान किया जा सकता है। इस शांति वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री तेल अवीव पहुंच गए। उधर मिस्र और कतर जैसे देश भी इसमें शामिल हैं, जबकि हमास सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है, बल्कि मिस्र और कतर उसे पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि क्या बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल के अधिकारियों को इस बात का भरोसा है कि इस बार की बातचीत में कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, शांति निकल आएगी। इसराइल की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए काहिरा में ही मौजूद है। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री ने इससे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी कर ली है। लेकिन हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि एक तरफ इसराइली अधिकारी ये भरोसा जता रहे हैं कि शांति को लेकर कोई हल निकलेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने अपने हमले भी जारी कर रखे हैं। हमास पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी यह कहा गया कि जबालिया, जो कि उत्तरी शहर पड़ता है गाजा में, वहां पर दो अपार्टमेंट्स पर हमला किया गया, टारगेट किया गया और इसमें एक ही परिवार के 19 लोगों की जान चली गई। जबकि जेनिन में इसराइली सेना ने ड्रोन से हमला किया और हमास के दो कमांडर्स को मार गिराया। इनका नाम भी पता चला है, कमांडर राफत दवासी और अहमद अबू आरा, इन दोनों के नाम है। वैसे अमेरिका, जो रक्षा उपकरणों और हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, उसकी तरफ से शांति के लिए कोशिश चल रही है। और दिलचस्प तो यह भी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मिडिल ईस्ट की 9 यात्राएं जरूर की थी इस दौरान अभी तक, लेकिन हर बार वो खाली हाथ ही उनको लौटना पड़ा है। बताएं कि बीते महीने ही हिजबुल्ला के सुप्रीम कमांडर और हमास के लीडर इस्माइल हनिया की हत्या कर दी गई थी। इसमें सीधे तौर पर इसराइल का ही नाम आया। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अब जो बातचीत हो रही है वो बीते 10 महीने पुराने संघर्ष में शांति स्थापित करा सकती है। बात दरअसल यह है कि अमेरिका में आने वाले नवंबर के महीने में है चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव होना है और अमेरिका यह चाहता है कि उसका पूरा फोकस इस चुनाव पर हो, और इसीलिए भी अमेरिका पूरी कोशिश में अब यह नजर आ रहा है कि जैसे भी हो शांति तो स्थापित करानी चाहिए। वैसे बीते महीने भी हमास और इसराइल मई में जो बाइडन के द्वारा रखी गई 3 चरणीय रूपरेखा को लागू करने के लिए सहमत हो गए थे। अब शांति वार्ता का प्लान क्या है ये आपको बताते हैं। इस शांति वार्ता की योजना में शुरुआत में 6 हफ्ते का युद्ध विराम यानी कि सीज फायर शामिल होगा। इसके दौरान इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के बदले में सीमित संख्या में इजरायली बंधकों को मुक्त किया जाएगा। गाजा में पहुंचने वाली मदद में भी बढ़ोतरी, बाहरी देशों से जो मदद है उसमें शामिल होगी कि मदद पहुंच पाए। हालांकि बीते साल नवंबर के आखिरी में सप्ताह भर का संघर्ष विराम जो था उसके उलट ये सीज फायर अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये भी सच है, संघर्ष विराम आसान नहीं है, क्योंकि बैठक में जो तय होगा क्या हमास उसे मान लेगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट शामिल नहीं है। वैसे भी जब से हमास और इसराइल के बीच युद्ध छिड़ा है तब से बंधकों और कैदियों की पहचान और उनकी संख्या पर विवाद रहा है। इसराइल भी ये नहीं चाहता कि राजनीतिक नेताओं और हिंसा में शामिल अपराधी जो उसके पास बंद है उनको रिहा किया जाए। इससे पहले भी नवंबर में जो कोशिशें की गई थी वो नाकाम केवल इसलिए रही क्योंकि हमास अदला बदली के लिए महिला बंदियों को तैयार नहीं कर पाया था। उधर इसराइल का भी ये साफ कहना है कि गाजा और मिस्र की बॉर्डर पर उसकी सैन्य उपस्थिति तो बनी रहने वाली है। वैसे हमास चीफ हनिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार को भी जिम्मेदारी दे दी गई है, हमास की जिम्मेदारी, और ये बताता है कि हमास की तरफ से भी शांति को लेकर कोई लचीलापन शायद ही नजर आए। लेकिन फिर भी अमेरिका समेत कतर और मिस्र, जो कि इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि युद्ध विराम हो जाए।